बुधवार दोपहर को नीमच चौरसिया समाज के द्वारा नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के आवास पर पहुंचकर उन्हें एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व में नगरपालिका के द्वारा समाज को जमीन आवंटित की गई थी, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। समाज जन चाहते हैं कि उक्त जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर उसे सुरक्षित किया जाए और बाउंड्री वॉल निर्माण के कार्य में आ रही परेशानी का समाधान करने का कष्ट करें। विधायक ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिया। इस दौरान चौरसिया समाज बड़ी संख्या में महिला और पुरुष भी मौजूद रहे। समाज नीमच में आदरणीय विधायक महोदय पवन जी पाटीदार और जिला संघ प्रमुख श्री राम जी और कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आज विधायक महोदय के घर पर एकत्रित हुआ है। समस्त समाज यहां पर उपस्थित रहेगा। प्रकरण है समाज को आवंटित जगह पर जो बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है, उसमें कुछ हिंदूवादी जो संगठन हैंगे वो अपना वोट गाड़कर उस ज़मीन को अपना बता रहे हैं, जबकि नगरपालिका द्वारा हमें यह भूखंड ट्रामा सेंटर के एवज में दिया गया था कि ट्रामा सेंटर को चौरसिया समाज की जो ज़मीन थी वो आवंटित थी, लेकिन उसको समाज हित में और शहर हित में जन हित में हमने छोड़कर और हमारी को कोने में जगह मिली तो हमने वो भी स्वीकार करी, लेकिन जब उसके ऊपर बाउंड्री वॉल हमने बनाना शुरू करी तो बाउंड्री वॉल का विरोध जो है वहाँ पर तथाकथित जो संगठन है वो ये कह कर के ये ज़मीन गोचर ज़मीन हैगी, और जबकि उनके पास कोई कागजात नहीं है, हमारे पास संपूर्ण समस्त कागजात हैं। हमारी ये मांग हैगी विधायक महोदय से कि जो हम बाउंड्री वॉल वहाँ पर बनाई है और जो हमें आवंटित कागज हैंगे उन कागजों के आधार पर हमारी जो ज़मीन हैगी उसके ऊपर हम विधायक महोदय हमारा पक्ष रखते हुए उन समाजवादी जो संगठन हैंगे उनको वहाँ से बेदखल करें।